ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं तो बराबर, दूसरे बार अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उनके बालक ही बनेंगे, ऐसा संभव भाजपा में नहीं है। अगर योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो आने वाले समय में कोई एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये है भाजपा। ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। कौन कहता है ब्राह्मण? अगर चोर होगा, डकैत होगा, गलत होगा, आपका हड़पता होगा, अगर उसको योगी मरवाया तो ब्राह्मण को थोड़ा मरवाया, उस अपराधी को उन्होंने मारा। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा में, और हम जहां खड़े हैं यहां महात्मा बुद्ध कुछ देर ठहरे थे, रुके थे, और इस गांव का नाम है छठियांव। आपको बता दे कि फाजिल नगर विधानसभा पर, फाजिल नगर जो टाउन एरिया नहीं था, अब नगर पंचायत पहली बार हुआ है ना, नगर पंचायत पहली बार हुआ है और यह गाँव भी नगर पंचायत में समाहित है। हमारे साथ जनता है, हम लोगों से बात करेंगे कि फाजिल नगर का विकास कितना हुआ है, और विकास की वानगी देखना हो तो देखिए, विकास तो इस जगह जहां हम खड़े हैं वहां तो हुआ है, लेकिन पूरा कितना विकास हमारे साथ जो है कई जगह के लोग हैं। हमारे साथ बीजेपी के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सत्यम शुक्ला जी हैं। सत्यम शुक्ला फाजिल नगर डिग्री कॉलेज से अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में हैं भी। हम बात करेंगे सत्यम जी, सवाल आप ही से है क्योंकि सत्ता में आप हैं, आपको क्या लगता है 2022 का चुनाव किधर जा रहा है? ये भी पूछने वाली बात है, जनता आपको बता दे कि कहाँ जा रहा है। साढ़े चार साल की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने इतने सारे काम किए हैं, जनता में आज वो काम घर घर और धरातल पहुंच चुका है। और सवाल फिर आता है महंगाई, महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, परेशान है, इस पर आपकी पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, पेट्रोल डीजल बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? इससे ज्यादा महंगाई आज देखेंगे तो तेल का कीमत आपके केजरीवाल में है, जो विपक्ष वहाँ जो सरकार, जो हमारा विपक्ष है वो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनाने में सहयोग किया, और इससे ज्यादा पेट्रोल डीजल आपके दिल्ली में है, उससे ज्यादा मुंबई में और अनेक शहरों में आपको, मतलब उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मैं मुंबई की बात नहीं करूंगा, मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, चुनाव यहाँ है, लोग यहाँ परेशान है, तो आप यहाँ भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष है, आपकी पार्टी क्या कर रही है? अभी जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, नहीं नहीं जवाब जवाब नहीं है क्या है, है जवाब, जवाब महंगाई पर जवाब है कि नहीं, महंगाई बढ़ी है कि नहीं, क्या भाई साहब महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? क्या बढ़ी है? नहीं बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है, बढ़ी है। नॉर्मल जी के जानने वाले हैं क्या? नहीं जानने वाले क्या है, पहचानने वाले नहीं उठते हैं, महंगाई तो पहले भी थी, कम नहीं थी महंगाई। जब आवश्यकताएं बढ़ेगी तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगा? क्या करते हैं आप? ग्राम प्रधान नाथापट्टी संजय चौरसिया मेरा नाम है। अच्छा, महंगाई आपके हिसाब से नहीं बढ़ा है? जब लोगों की नीड बढ़ेगी, पहले एक घरों में मोटरसाइकिल होता था, मतलब गाँव में गिना जाता था कि इसी के पास मोटरसाइकिल है, आज एक घर में कितना मोटरसाइकिल है वो घर वालों को पता नहीं है, लड़के के पास कुछ और है, बच्चे है, बाप के पास कुछ और है, माँ के पास स्कूटी है, तो जब आवश्यकताएं बढ़ेगी तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? अच्छा। और महंगाई और भी बढ़ा है श्रीमान, खाली पेट्रोल डीजल आपको दिख रहा है, हमारे बाड़ू चौराहे पे आज से 20 साल पहले 50,000 रुपया कट्ठा जमीन था, आज 50 लाख है, क्या यह 50 लाख रुपया मोदी और योगी के घर में जा रहा है? किसी किसान के ही घर में, किसी कोई व्यापारी खरीद रहा है, किसी किसान के घर में पैसा जा रहा है, महंगाई किस क्षेत्र में नहीं बढ़ा है? आप लोग पेट्रोल डीजल के पीछे पड़ जा रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं महंगाई से जनता त्रस्त है, और फिर एक सवाल आता है रोजगार। रोजगार एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, आप ही के, आप तो सरकार में नहीं है, आप सरकार के समर्थन में भी नहीं होंगे, या मतलब आम नागरिक हैं आप? आम नागरिक नहीं हूँ मैं, आप प्रधान है? आप प्रधान, मैं प्रधान। कितना है प्रधान जी, आ गया कि नहीं? माल जो काम होगा माल आएगा, काम नहीं होगा माल नहीं आएगा। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम हो रहा है। रोजगार के मामले पर एक सवाल आता है, आपके श्रम मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार जो है, बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ रही है, और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार एक तरफ कहती है हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं, और एक तरफ सरकारी डाटा है 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अभी 58,000 इसमें मिलाकर 4.5 लाख कुल मिलाकर सरकारी रोजगार 4.5 लाख। अरे आप ही के सरकार का डाटा है, बीजेपी सरकार का डाटा है, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी 4 साल 4.5 साल के सरकार में मिला, लेकिन नहीं फिर कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, कैसे मिल गया? जरा ये फार्मूला हमको समझा दीजिए।
अब श्रीमान ग्राम पंचायत में ही अगर देखा जाए, एक पंचायत में वो बाकी का सरकार कितना दिया छोड़ दीजिए, एक ग्राम पंचायत में महिला मेट का नियुक्ति हुआ, इसका कंप्यूटर सहायक का नियुक्ति हुआ, और एक शौचालय जहाँ सार्वजनिक शौचालय बना है उसमें भी एक नियुक्ति हुआ है, तो चार पांच आदमी को तो हर ग्राम गांव में रोजगार सरकार दिया है, रोजगार क्यों नहीं दिया? इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, इस पूरे उत्तर प्रदेश में कितना ग्राम है। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है? गंगा सिंह कुशवाहा यहाँ के विधायक, बढ़िया अच्छे व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति काम, अच्छा व्यक्ति से काम, अच्छे व्यक्ति से खा लेंगे, अच्छा व्यक्ति होगा उसका काम भी अच्छा होगा। अच्छा हा? क्या कर दिया उन्होंने फाजिलनगर? बहुत कुछ काम कर दिया, देखिए अब इसके आगे जाएंगे तो एकदम जर्जर सड़क था, जो हम लोग कभी सपने में नहीं सोचे थे कि वो सड़क बन पाएगा, यहाँ से थोड़ा सिर्फ नहीं 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो कैसी सड़क बन रही है जिसकी वैलिडिटी 50 साल चलेगी, इतना मोटा एक एक फीट का RCC हो रहा है, एक नंबर सड़क बन रही है जिससे फाजी नगर के पश्चिम दिशा में जाने वाले लोग को इतना बिहार बॉर्डर से के कार्यों से आप खुश हैं? एकदम खुश हैं। लेकिन फिर सवाल यह आता है स्थानीय विधायकों के बारे में, स्थानीय विधायक जो गंगा सिंह कुशवाहा के बारे में, अभी हम लोग आ रहे थे कुशीनगर से कसिया होते हुए, एक गांव में हम लोग रुके थे, कह रहे लोग कि योगी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड जीरो है। नहीं नहीं क्या लग रहा है आपको? एकदम ऐसा कुछ नहीं है कि बताइए, विधायक जी फिर लड़ेंगे तो जीतेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। उम्र कितनी है उनकी? ठीक है, उम्र का तो भाई पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम भाजपा के पदाधिकारी हैं तो पार्टी जो भी आदेश करेगी हम लोग धरातल पर करने के लिए तैयार हैं। पार्टी में है, रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है। लोगों को रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है रोजगार, बिल्कुल रोजगार मिला है। आपको क्या मिला है? मैं तो भाई स्टडी करता हूँ और 14 मंडल का युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ मैं। रोजगार मिल जाए, कोई सरकार दे दे तो आपके पास कोई डिबेट करने ना आए। भाजपा सरकार ऐसा कोई रोजगार कमी नहीं है, मतलब लोगों को रोजगार ना मिले नहीं नहीं ये बात नहीं है, जैसे कि आप कह रहे हैं आपको मिला है, आपको मिला है तो सबको तो मिलेगा नहीं, सबको तो मिलेगा नहीं, व्यवस्थाएं अपनी होनी चाहिए। ठीक है, व्यवस्थाएं करोड़ लोगों को रोजगार, व्यवस्थाएं ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब इससे तो बढ़िया कोई सरकार हमने देखा ही नहीं, इससे बढ़िया कुछ नहीं देखा। अखिलेश यादव अखिलेश यादव को नहीं देखे हैं? अखिलेश यादव ने देखे हैं, मायावती को देखे हैं, इंदिरा गांधी को देखे हैं, किसको नहीं हम देखे? इंदिरा गांधी तो मान लीजिए प्रधानमंत्री। नहीं नहीं मैंने हम कौन रहे हूँ आज का नहीं तो पढ़े होंगे। अखिलेश यादव जी ने कितना विकास? यादव कहते हैं सड़कों का जाल बिछाया एम्बुलेंस, आपको बता दें एम्बुलेंस, आपको बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ बड़े भैया हमारे, ये 24 साल का मैं हो गया, 24 साल से ये सड़क जर्जर थी, पिछले 2 साल से ये सड़क बना हुआ, ये सब भाजपा का ही देन है। इस प्रकार के रोड हम लोग देख रहे हैं अपने होश में, हाँ योगी का देन है जो कि इस प्रकार की रोड दिखाई यहाँ दे रही है। अगर मैं गलत का क्या नाम है और उमा सिंह तिवारी? अच्छा योगी आदित्यनाथ का देन है? हाँ बिल्कुल। विधायक जी की स्थिति रिपोर्ट कार्ड क्या? अब देखिए हम थोड़ा तो वही है ना, जब से वो हुए हैं हम थे नहीं, बस 2-4 महीने से आए हैं, लेकिन करें मतलब अब विधायक के चुनाव में हम थे ही नहीं, सरकार का काम ठीक है बस। क्या लगता है क्या नाम है आपका? राशिद आलम, मैं जिला कार्य समिति भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का हूँ। और देखिए योगी जी और मोदी जी देखिए कितना बड़ी सौगात दिए हैं कुशीनगर को, जो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ सकता है, जो योगी जी बोले थे, और इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। और विकास तो बहुत हो रही है, उसके बाद से मुसलमान योगी जी के साथ कहाँ है भाई? अरे बहुत मुसलमान है, शाहनवाज है देखिए बिहार में, जो इस समय वो प्रवक्ता है और आने वाले समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बनता है। आपका सपा तो कहती है मुसलमान हमारे साथ हैं, आजम खान को इसी सरकार ने जेल भेज दिया। नहीं सपा सपा खाली वोट के लिए वो सब जातवाद करती है, सपा में कुछ नहीं है, भाजपा एक नंबर पे है और एक नंबर पर रहेगी, और इस बार सरकार भाजपा की ही बनेगी। पूरे मुस्लिम भाइयों ने हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, मुसलमान आपसे नाराज नहीं होते हैं? नाराज नहीं होते हैं, पूछते हैं कट्टरपंथी होंगे? कट्टरपंथी होंगे ना, देखिए कट्टरपंथी होंगे, जो कट्टरपंथी मुसलमानों का एक समुदाय के लिए, बाकी कुछ उनको ना दिखाई दे, जो कट्टर हो, जो कि उसका जैसे जिहाद टाइप का और चीज का हो, पाकिस्तान का गुण गाता हो, तालिबान का गुण गा रहे, उसको गाते हैं जो खाएगा इंडिया का दाना और गाएगा पाकिस्तान का। कौन गाता है फाजिल विधानसभा में है क्या? ऐसा ऐसा तो सुनने को, ऐसा तो अभी सुनने को नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी का समर्थन करते हैं अभी। और आप जो है अल्पसंख्यक विभाग में है, बीजेपी के जिला कार्य समिति में
सवाल ये कह रहे हैं कि फाजिल नगर में भी कहते हैं सब खाएंगे इंडिया का जाएंगे पाकिस्तान अगर आपको उसका एग्जांपल देखना हो आज की कल भारत और इंडिया का पाकिस्तान का मैच है अगर इंडिया जीतेगा तो भी पटाखा फूटता है और पाकिस्तान जीता है तो भी पटाखा फूटता है नहीं ऐसा तो अभी तक मैं नहीं देखा हूँ अपने क्षेत्र में मेरा भी उम्र हमको लग रहा है झूठ बोल रहा है नहीं झूठ नहीं देखोगे इनसे झूठ बोल रहा है इन सब लोग देखे हम लोग देखे हैं यही फाजिल नगर में हम लोग देखे हैं इसी फाजिल नगर में हम लोग मतलब सुने भी हैं सर कि जैसे इंडिया पाकिस्तान से जिस समय मैच हो रहा था उस समय यही फाजिल नगर के एक निवासी हैं जो कि अपना टीवी पाकिस्तान आ गया तो टीवी उठाकर पटक दिए थे टीवी पाकिस्तान आ गया तो हार गया तो टीवी उठाकर पटक दिए कौन कौन क्या नाम है हम नाम नहीं बताएंगे भैया अभी दुश्मनी वाली बात आ जाएगी दुश्मनी हो जाएगा गांव का मामला है हम लोग मतलब हमेशा टीवी आप फोड़ देते हैं भारत तो हमेशा हराती है कुछ लोग हैं यही बात कहा जा रहा है कुछ लोग हैं सही है बताइए जो इंडिया के वास्तव में मुसलमान है वो कभी भी भाजपा से विरोध मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत के प्रति समर्पित है भारत का गुणगान करता है बिल्कुल बिल्कुल वो मुसलमान जो है भारत का सच्चा बिल्कुल बिल्कुल और जो लेकिन टीवी फोड़े थे तो भारत तो लगातार पाकिस्तान को हराता है तो लगातार टीवी नहीं फोड़ते हैं क्या नहीं ऐसा कोई बात नहीं है एक बार तो आदमी को जो लगे बार बार आपको जानकारी है जो बता रहे हैं नहीं अभी तो हमको जानकारी नहीं है लेकिन ये मैं यहाँ का निवासी भी नहीं हूँ मेरा पड़ेगा दक्षिणी फाइनल तो अब फिर फूटेगा कोई तो लेकिन फूटा है हम ही लोग देखे हैं हम ही लोग जानते हैं पाकिस्तान जीता समय के साथ परिवर्तन भी होता है हमारी ऐसी मैच जीत गया तो जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद विधानसभा में लोगों का नाम नहीं हुआ दुश्मनी बढ़ जाएगी बिल्कुल है बिल्कुल है लेकिन इस प्रकार की कोई दुश्मनी हम जो कट्टरपंथी कहे ना जो ये सोच लोग हैं कुछ कुछ लोग हैं आप बताइए कुछ कहना चाहते देखिए भाजपा सरकार सर्वोत्तम है सभी पार्टियों से उत्तम पार्टी क्या और कर काम अखिलेश जी कह रहे हैं कीचड़ का फूल अरे अखिलेश की बात कर रहे हैं आप वो वंशवाद में फंसे हुए हैं वो वंशवाद में फंसे हुए हैं केवल हाँ उनका और कोई काम नहीं बिल्कुल अच्छा अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कमल का फूल कीचड़ का फूल है मतलब बीजेपी वाले झूठ का फूल कीचड़ का फूल नहीं बोले थे वो बोले थे झूठ का फूल खिलाते हैं सब सिर्फ झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है उसके बाद हर एक मुद्दे को धरातल पर उतारने का कार्य करती है उनके जैसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं तो और दूसरे बार अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उनके बालक ही बनेंगे ऐसा संभव भाजपा में नहीं है अगर योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो आने वाले समय में कोई एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है ये है भाजपा क्या कह रहे थे ये कह रहे हैं ये कोई आज की बात नहीं जैसे पांच उंगली बराबर नहीं हम ये नहीं कहते हैं जो कि सारे बीजेपी के अच्छे होंगे कोई अच्छा, ओएसी के आने से आपको नहीं लगता सपा मजबूत होगा बीजेपी मजबूत होगी नहीं उससे कुछ नहीं नुकसान होगा नहीं नहीं उनके आने से बीजेपी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी तो कह रही है विपक्ष के लोग कह रहे हैं ओएसी बी टीम है बीजेपी की कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा बीजेपी पे बीजेपी को मजबूती मिलेगा बहुत मजबूत मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी है कार्यकाल में क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा विपक्ष तो कहती है विपक्ष जो है कुछ भी बोल सकती है अपनी राजनीति पैदा नहीं होता विपक्ष कहती है बीजेपी है बीजेपी की बीटी एकदम नहीं एकदम सरासर गलत है बीजेपी जो भी है अपने दम पे अपने कर्मों के दम पे आप कैमरा आप जब बात कर रहे थे तो कुछ और कह रहे थे और कैमरे पे आए तो कुछ और कह दिए एकदम जो सच्चाई है सामने जवान पे आ जाती है कैमरा कुछ और बोल दिए आप कैमरा कह रहे थे कुछ और कहलवाना चाहते हैं कहलवाना नहीं चाहते हैं जो भी क्या कहलवाना जो आप चाह रहे हैं आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं पाकिस्तान जीतता है तो फूटता है जगह का नाम नहीं बता रहे हैं फिर वही बात भाजपा के प्रवक्ता थी नाम याद नहीं आ रहा है उन्होंने कहा था कि इस देश के सारे मुसलमान तक आतंकवादी नहीं है लेकिन बड़ी दुख के बात है कहना पड़ा कि जितने भी आतंकवादी हैं सारे मुसलमान हैं सही कह रहे हैं बात सही है ये तो मैं भी सुना हूँ कभी कभी मतलब सुना हूँ ये हकीकत निकल जाती है कि मुसलमान वीडियो चलेगा तो आपके समुदाय के लोग क्या सोचेंगे जैसे आप कह रहे हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है
तो यहाँ का नहीं होता है, वो पाकिस्तान का होता है। यहाँ का नहीं होता है, पाकिस्तान का होता है। अब आप बताइए अफजल गुरु कहाँ कराने वाला है? अफजल गुरु कहाँ कराने वाला है पूछिए उन्हीं से। अफजल गुरु कहाँ कराने वाला है? अरे पाकिस्ताने का है वो। अच्छा अच्छा, हमको नया डिक्शनरी पता चला कि अफजल गुरु पाकिस्तान कराने वाला। अच्छा आप बताइए, जैसे विकास की बात है, हाजी नगर का विकास, इससे पहले विश्वनाथ सिंह जो विधायक हुआ करते, उस समय के विकास में और आज के विकास में कितना अंतर? बहुत अंतर है, 70-80% का अंतर है। आपके सामने ये विकास दिख रहा है, रोड दिख रहा है, यहाँ जो नगर पालिका हो गया। रोड पर हमको रोके कि जहाँ विकास नहीं हुआ है। आपको चलिए मैं दूसरा रोड दिखाता हूँ, इसके बगल में, इसके बगल में बढ़ारा छोड़ा है, हमारे बाहर का रोड जाता है बनाकर, जहाँ रोड मिलता है वहाँ पे, वहाँ से इतना अच्छी रोड बन रही है, 50 साल की वैलिडिटी उसकी, इतनी बड़ी जो आज अच्छी रोड बन रही है। और चीज है, कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप तिवारी जी है ना, ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण नाराज है। कौन कहता है ब्राह्मण? अगर चोर होगा, डकैत होगा, गलत होगा, आपका हड़पता होगा, अगर उसको जो योगी मरवाया तो ब्राह्मण को थोड़ा मरवाया, उस अपराधी को उन्होंने मारा। तो अपराधी कह रहे हैं कि जो सजाती बिरादरी के लोग, तो वोट लेने के लिए, मैं आपकी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, कह रहे हैं लोग, जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जो सजाती उनके बिरादरी के लोग वो बचे हुए हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण को नहीं, खोखो नीति चल रहा है, ये गलत, ये राजनीति है, ये राजनीति है, विपक्षों का राजनीति है। अगर वो सही काम करे तो, अगर वो सही कह दे, लेकिन योगी ठीक कर रहे हैं, उनकी राजनीति कहाँ जाएगी? सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी की, चलिए, ये थे फाजिल नगर विधानसभा के लोग, इनका साफ कहना है, और लगभग लगभग बीजेपी के समर्थक ही हैं, इनका साफ कहना है 2022 के विधानसभा में फिर कमल का फतह होगा। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हमारा कारवां चमकुई राज विधानसभा।